अरे चिंता हाय हाय और तैयारी हो गया मोटो ब्लॉगिंग की। तो गाइस हम लोग बहुत हलंग से पहुंच गए। तो गाइस हम लोग डोंका पहुंच गए और वहां से हम लोग टिकट खरीद लिया, एंट्री क्लास टिकट 50 रुपीज़ लिया है और अभी हम लोग जा रहे हैं। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल धनजा ब्लॉग्स। अभी हम मोहन एंटरप्राइज में फिर से हेलो ये मोहन एंटरप्राइज तेरोन एंटरप्राइज मोहन हमारा मोनिंद्र भाई बोल रहे एक बार मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आ रहा है और निहार ब्रो साथ में है हमारे साथ। और हमारा ये हेलमेट तैयारी हो गया मोटो ब्लॉगिंग की क्या बोलता है इसको सब तैयारी हो गया और अभी हम लोग जाने वाले हैं डोंका में और डोंका में एक प्रोग्राम है कार्बी लामेट अमे में हम लोग जाने वाले हैं और वहां पर दिखाएंगे क्या क्या देखने को मिलता है तो आप लोगों को दिखाएंगे। और अभी हम लोग यहाँ से राइड शुरू करेंगे यहाँ से और हमारे साथ निहार ब्रो है और निहार और मैं ही जाऊंगा और तेरन ब्रो जाने वाले थे लेकिन अब नहीं जाएगा वो बिजी है दुकान के लिए दुकान में रहेगा तो हम लोग ही जाते हैं अभी तो देखते रहिए आप लोग। ठीक है मोटो ब्लॉगिंग काटे हुए हम लोग जा रहे हैं अभी फ्यूल भरा लेते हैं यहाँ से फ्यूल किमान भरा अभी प्रथम हाफ लीटर हाफ लीटर दूटा लगे यहाँ से अभी हम लोग डायरेक्ट जाएंगे डोंका लामेट अमे में। तो लामेट अमे का मतलब होता है लामेट मतलब साहित्य आसामीस में और अमे का मतलब होता है खोभा साहित्य खोभा जैसे कि खोभा तो लामेट अमे इसका मतलब होता है। तो ये है लाउपानी रोड मेन रोड और अभी हम लोग जा रहे हैं और अभी यहाँ से हम लोग लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा कोमरगांव की तरफ जाना पड़ेगा हम लोगों को तो इधर से जाएंगे डायरेक्ट। और माइलेज टेस्ट काटे हुए हम लोग भक्सोंग बाज़ार से माइलेज टेस्ट कर रहे हैं हाफ लीटर भरा फ्यूल भरा के और अभी 48 हो गया। देखो यार देखी सर 4.8 उतनी 3.3 आसिल 3.3 माने 2 किलोमीटर आहिलो आमी और 2 किलोमीटर अभी 3 किलोमीटर लगभग हो गया।
तो गाइस हम लोग लगभग लगभग 8 किलोमीटर आ गए भोकसोंग से और हाथीगढ़ हम लोग पार हो गए। अभी अभी हम लोगों को मिलने वाले हाथीगढ़ इतो जगह तो नाम की कब जुकुटा बोली ढूंढ लो ना। अभी हम लोग जुकुटा जुकुटा पहुंचने वाले हैं। जुकुटा पहुंच गए हैं, पहुंचने वाले नहीं हूँ। अभी हम लोग जुकुटा पहुंच गए और रास्ता भी काफ़ी ख़राब है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं रास्ता। और यहाँ से लगभग दूरी जाना पड़ेगा 15 किलोमीटर ऐसे ही सड़क में, तो इसके बाद हम लोगों को मेन रोड मिल जाएगा एक हाईवे, तो वहाँ से आप लोगों को दिखाएंगे। अभी रास्ता ख़राब है तो आप लोग डायरेक्ट आप लोगों को मिलते हैं वहाँ पर हाईवे पे। तो चलिए देखते हैं। सो गाइस अभी लेफ्ट की तरफ है बॉयथलंग, सो तो हम लोग ये राजागांव है तो राजागांव पहुंच गए हम लोग, तो अभी जा रहे हैं बॉयथलंग। सो तो आप लोग देखते रहिए, यहाँ से थोड़ा सा हम लोग पहलेंगे गाड़ी को, पहलते हुए ज़्यादा भी नहीं पहलेंगे फिर भी मीडियम में पहलते हुए जाएंगे हम लोग बैठलंग सो। बैठलंग सो से हम लोग जाएंगे डोंका, तो डोंका से फिर से लौटना पड़ेगा हमें घर। तो आप लोग देखते रहिए देखते रहिए देखते रहिए। हाँ ठीक कैसे ठीक बड़ी ना। हाँ नहीं 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 नहीं, तो अभी फ्यूल ख़त्म हो गया बाइक में। हाँ फ्यूल ख़त्म हो गया, तो कितना कितना दिखाया माइलेज? हाँ 21 दिखाया ना, हाफ लीटर में 21 किलोमीटर भाई। और जाएगा यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर तक जाएगा, फिर भी हम ये तो कोशिश नहीं करेंगे नहीं तो गाड़ी खराब हो जाएगा। नया गाड़ी है भाई, हाफ लीटर में 21 माइलेज दे रहा है, तो 1 लीटर में 40 मतलब 42 ना 42 माइलेज देगा, तो 1 लीटर में 42। अगर सड़क ऐसा सड़क होगा तो लगभग 48 तक दे देगा ना, 48 तक दे देगा अगर सड़क अच्छा होगा तो। लेकिन हम लोग बहुत ख़राब रास्ता से आया था, तो अभी फिर से हाफ लीटर भरा कर हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी बॉयथलंग सो तक लगभग 5 किलोमीटर्स होगा यहाँ से, तो अभी देखते रहिए आप लोग और इधर का नज़ारा देखिए आप लोग कैसा है।
कंट्रोलिंग बहुत अच्छा है, तो बड़ा बड़ा ट्रक आते हैं कभी कभी तो डर लग जाता है हमको, और ये ट्रक इतना बड़ा भी नहीं है पूरा फ्रीडम से चलाने के लिए। तो गाइस हम लोग बहुत ढलंग से पहुंच गए अभी, फ्यूल पंप पे जाते हैं डायरेक्ट। यार दुर्गा पूजा था यहाँ पर, जब दुर्गा पूजा आता है ना तब फेस्टिवल होता है। अभी हम लोग 200 का फ्यूल भराएंगे, तो ये है बोरपानी रिवर गाइस, और बोरपानी ब्रिज देखा आप लोगों ने कैसा ना अच्छा, कितना ब्यूटीफुल प्लेस है ये गाइस, बहुत अच्छा प्लेस है। वेलकम। इस गेट में जो लेफ्ट और राइट साइड में लिखा हुआ है तो ऊपर का एक एक लीटर ढका हुआ है, और लेफ्ट साइड का मतलब होगा वेलकम, मतलब डामी जूमी होगा आई थिंक। तो राइट साइड में थैंक्स फॉर विजिट लिखा हुआ है, और भी हम यहाँ पर पेट्रोल ले लेते हैं गाड़ी पे, तो आप लोग देखते रहिए। तो गाइस ये है गेट, नामेट आमी आमी जूमी बात क्या है हा? तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए डोंका मुकाम, मतलब डोंका, और हमारे लेफ्ट साइड में है स्टेडियम। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, और ये डोंका मुकाम है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और हमारे फ्रंट में है थोंगनोक बे का मूर्ति। और तो गाइस आगे है लामे डामे जाने का रास्ता और गेट, तो हम लोग अभी तो वैसे हम लोग अभी गेट पार हो चुके हैं, और अभी हम लोग जा रहे हैं डायरेक्ट लामे डामे की तरफ। और ये जो नया रास्ता है ना, ये रास्ता बिल्कुल डिपो तारालंगसो जाने वाला रास्ता जैसा बनाया है, और ये अभी नया है, अभी तक नहीं हुआ। और बस ये है टिकट काउंटर, तो यहाँ पर हम लोग टिकट ले लेते हैं, और ले लिया हूँ 50 रुपये का एंट्री टिकट। तो हम लोग लेकर अभी जा रहे हैं, आप लोग देखते रहिए। तो वैसे हम लोग डोंका पहुँच गए, और वहाँ से हम लोग टिकट खरीद लिया, एंट्री पास टिकट 50 रुपीज़ लिया है, और अभी हम लोग जा रहे हैं डायरेक्ट उस फेस्टिवल में। तो आप लोग देखते रहिए, जा रहे हैं हम लोग। तो रास्ते काफी सारा लोग भीड़ है शायद, तो ये
हमारे संग। बाइक कार नो एंट्री। ओहते याते थैसे नि कि नहले गाड़ी। ओयने लो आफ्रांग पनु नेमा। यहीं पे पार्किंग कराना पड़ेगा। तो पार्किंग पॉइंट गाइस, ये है पार्किंग पॉइंट और ये सड़क, और अभी हमको इधर जाना पड़ेगा। इस तरफ से हमको जाना पड़ेगा। तो ये सड़क नया है, तो नया बना रहा है। सो गाइस वेलकम टू लामेट हमें। तो ये फेस्टिवल प्लेस फिर है, तो मैं इतना वॉइस ओवर नहीं कर पाएंगे आप लोगों के लिए, तो ऐसे ही देखते। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए यहाँ पर। ये नजर रखिए आप लोग। निहार बोल रहा है कि यहाँ पर नहीं जाएगा, तो मुझे अकेले जाना पड़ेगा अभी। निहार नहीं जाएगा। एंट्री पास होगा 10 रुपीज, तो मैं जाता हूँ अभी। जाओ ना बैठी भी। तो गाइस मेरा एंट्री हो गया है यहाँ पर 10 रुपीज में। तो निहार ब्रो बाहर है, बाहर ठाक गद्दार हो गया। लाइटिंग हो गया, लाइटिंग हो गया सा, लाइटिंग हो गया। आप लोग मन पसंद है लो हाला ये प्लेस अभी मैं यहीं पर फोटो लेने वाला हूँ। फोटो वगैरह लेंगे। तो ये सब आप लोग देख और इधर भी है। ब्राजील पेन हाला नीरपाई गिरी ले सकते हैं। तो अभी मैं लेकर दिखाता हूँ मेरे मोबाइल से। और यहाँ पर अगर आप लोग DSLR से अगर लेना चाहते तो यहाँ पर एक फोटो में आप लोगों को 10 रुपया लेगा। मतलब 10 रुपया मतलब एक फोटो में 10 रुपया जब आप फोटो उठाकर अपने मोबाइल पर सेंड कर लोगे तो 10 रुपया लेगा। अगर ऐसा फोटो निकलवाना है तो आप लोगों को 50 रुपया एक कॉपी का होगा, 50-100 ऐसा होगा। और ऐसे ही है, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो गाइस अभी निहार ब्रो काफी बोरिंग हो गया है, तो अभी जाते हैं। Say
ट्रेडिशनल ड्रेसेस एंड यहाँ पर सब देख सकते हैं आप लोग, सब काफ़ी सारा ट्रेडिशनल ड्रेस है और यहाँ से अगर आप लोग लेना चाहते तो खरीद भी सकते हैं। और यहाँ पर ट्रेडिशनल ड्रेसेस के लिए जो कपड़ा यूज़ होता है, कैसे बनाता है, ये सब दिखा दिया है यहाँ पर आप लोगों को, और सब अच्छी तरह दिखा दिया है आप लोगों को, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर जितने भी ट्रेडिशनल ड्रेस है, अगर आप लोगों को पसंद है तो खरीद भी सकते हैं। एन एजुकेशन गाइस, ये है कल्टीवेशन डिपार्टमेंट। इस कल्टीवेशन डिपार्टमेंट को एक मॉडल के जरिए दिखाया हुआ है, और इस कल्टीवेशन में आपको दिखाया हुआ है कि धान खेती कैसे करते हैं लोग, और कैसे होता है धान खेती, तो सब दिखाया हुआ है। और एक गांव की मॉडल बना कर, जैसे कि छोटा मोटा नदी और एक डैम बना कर दिखाया हुआ है, और नदी और खेतों में कैसे डैम से पानी ले जा सकते हैं, ये सब भी दिखाया हुआ है। और रास्ता, गाड़ी, ये सब पेड़ पौधे एक मॉडल बना कर अब लोगों को दिखाया हुआ है, तो बहुत अच्छा लगा, तो देखते रहिए। तो अभी जाते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट में, और इस डिपार्टमेंट में जैसे कि दिखाया हुआ है आप लोगों को, अंदर जाकर दिखाते हैं। और इस डिपार्टमेंट में दिखाया हुआ है कि चिड़िया को जो हम लोग पालते हैं, किस तरह का चिड़िया, जो घर घर में पाला हुआ जो चिड़िया वगैरह कैसा कैसा होता है, तो बहुत तरह तरह का चिड़िया होता है, तो मैं इतना नाम भी नहीं जानता और यहाँ पर इतना नहीं देखा हूँ, सिर्फ जितना वीडियो कर पाए हैं और जितना आप लोगों को दिखा पाए हैं इतना ही। तो इस तरह तरह के चिड़िया होता है, जैसे कि ब्रॉयलर होता है, कोयलर होता है, और असमिस में बोटा सराय भी कहता है एक चिड़िया होता है, और ये वाला इतना नाम नहीं जाता, लेकिन वहाँ पर नाम लिखा हुआ है, हमने नहीं देखा इतना। तो इस तरह का भी होता है तो जो हम लोग पालते हैं घर में, तो ये सब होता है। तो ये सब देखिए, ये वाला चिड़िया तो फ्लावर भी है। तो आप लोग देखते रहिए, आगे नेक्स्ट डिपार्टमेंट में जाते हैं अभी। গেম চলি আছে নেকি? গোটেই গেম চলি আছে, কোর ওয়ান টু। তো ইয়ে ইয়াত কি পাইছে নেকি? तो गैस, ये वाला डिपार्टमेंट कुछ अलग तरह की है, तो अंदर जाकर देखते हैं। तो चलो देखते हैं अंदर जाकर और क्या क्या देखने को मिलता है। ये सब क्या है, क्या है ये सब, तो ये सब क्या है इतना पता नहीं चल रहा। तो तसरी सिल्क का फैब्रिक है, और ये कुछ ऐसे ही फैब्रिक, और यहाँ पर लिखा हुआ है तसरी यार्न, और यार्न का मतलब तो आप लोग जानते हैं, तसरी हुटा असमिस में बोलता है, और ये मलबेरी यार्न, मुगा यार्न, ये सब यार्न है। और ये मलबेरी का बनाया हुआ अम्ब्रेला है, जो मलबेरी अम्ब्रेला है, और काफ़ी सुंदर है, अच्छा लग रहा है देखने में। और इधर बोल रहा है कि ये उस तसरी मलबेरी से बनाया हुआ है, इस यहाँ से ये वाला यहाँ से जो यार्न होता है, उसके बाद ये अम्ब्रेला बनाया गया है उस मलबेरी से। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं हैंड बैग, मनी बैग, टाई, और जैसे कि वाटर फ्लक्स के लिए जो वाटर फ्लक्स का बैग है, यो मलबेरी से बनाया हुआ है। और
मलबेरी टाई भी है और ऐसे कुछ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चीज़ें हैं और बहुत अनोखे अनोखे चीज़। और ये जैसे कि आप लोग देख सकते हो बटरफ्लाई, ये ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट में, इंडिया की नॉर्थ ईस्ट में दिखाए जाते हैं, ये सब पाए जाते हैं ये सब। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस बटरफ्लाई से जो अंडा निकला है और उस अंडे से जो कीड़ा होता है, वो कीड़ा इस पत्ते को खाकर जब बड़ा हो जाता है तो इस तरह का कोकोन्स बनाता है और इस कोकोन्स में से जो निकलता है वो फिर से बटरफ्लाई हो जाता है। और जो नहीं होता तो उसको खाने में भी यूज़ करते हैं लोग, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और ये है एरी लाइंग ईग एंड ये एरी से बनाया हुआ है, जो ये कोकोन्स है एरी से बनाया हुआ है वो खुद बनाता है वो कोकोन्स, जो एरी पोलो कहता है ना, वो कोकोन्स बना लेता है खुद। और ये यहाँ पर सब ट्रेडिशनल चीज़ें मिल जाएगा आप लोगों को, एरी का और मलबेरी, और ये कस्तूरी सीड्स, और यहाँ पर कस्तूरी सीड्स और ये सब केसरु सीड्स और ई केस जो बांस से बनाया हुआ है, और इस तरह तरह का ट्रेडिशनल चीज़ें हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड ऐसे ही है। चलो देखते रहिए आप लोग। तो यही था डिपार्टमेंट ऑफ सेरिकल्चर जो हम लोग आप लोगों को दिखाया अभी, तो यही सब कुछ था। और आगे हम लोगों को अभी तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जो रोज़ हमको घर में यूज़ करने के लिए चाहिए और यूज़ की जा सकती है रोज़। और ये सब बांस से बनाया हुआ है और ये सब ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, यहाँ पर आप लोग खरीद भी सकते हैं। और इधर आगे काफ़ी सारे फार्मिंग प्लांट मिल जाएगा और फ्लावर की भी है, और काफ़ी सारे गार्डन के लिए आप लोग ले सकते हैं, यहाँ पर ख़रीद भी सकते हैं। तो ये सब है। तो आगे अभी हम लोग आ रहे हैं ये इस तरह से, तो यहाँ पर मीटिंग हुआ था थोड़ी देर पहले, तो अभी सीट खाली है सब। तो गाइस, तो अभी दुकान घूमेंगे हम, दुकान देखेंगे तो क्या क्या मिलता है सब देखेंगे यहाँ पर। दुकान पे तो लड़कियों की चीजें ज्यादा है। सब लड़कियों की चीज, यहाँ पर तो पूरा का पूरा लड़कियों की चीज ही है। लड़का लोगों के लिए एक भी दुकान नहीं है, है तो ये ऐसा दुकान मिलेगा और नहीं तो नहीं मिलेगा। की खाबी देखते हैं अच्छा फूड कहाँ पर मिलता है। चाउमिन किमान के? चाउमिन किमान के? वेस्ट हंड्रेड फुल प्लेट, हाफ प्लेट एने को ना, हाफ प्लेट 50 हो। कलर बारो साल सभी मिल जाता है।
बढ़िया बढ़िया। उसका उसका पानी पूरी ए ए कलर टी यार 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 उन्हें सांग यार चाउमीन डांग चाउमीन की मन चाउमीन एक सौ का प्लेट फुल प्लेट हाफ प्लेट फिफ्टी हाफ प्लेट दुटा लगे दो यार खाओ ना और तो नहीं तार तो कलर तो भल ना लगेल मो तो गाइस अभी यहाँ पर बैठे हैं तो यहीं पर कुछ खा लेते हैं हम लोग बहुत भूख भी लगी है तो यहाँ पर खाकर हम लोग घर के लिए रवाना लौटेंगे तब लोग देखते रहिए। और तो गाइस अभी काफी देर हो गया हमारा यहाँ पर घूम फिर कर हो गया अभी हम लोग जाने वाले घर और अंधेरा भी हो गया है ये देखो तो आप लोगों को दिखाता हूँ फिर से एक बार। तो गाइस अंधेरा हो चुका है और लगता है बारिश भी आने वाला है तो इधर से बारिश आने वाला है शायद और ये मेन गेट है आप लोग जैसे कि देख सकते है तो ये मेन प्रोग्राम स्टेज है यही है और दुकान वगैरह तो आप लोगों को दिखाई दिया सब कुछ दिखाई दिया तो ये गेट बहुत अच्छा लग रहा है दिखाते हैं आप लोगों को। ये प्लेस इस टाइप का है तो गाइस लगता है बारिश होने वाला है और अभी हम लोग जाने वाले हैं और मेरा मेमोरी स्पेस भी फुल हो गया फोन पे और इससे आगे मैं वीडियो नहीं कर पाएंगे तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट में बताइए और अगर अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए और इतना ही इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट भी नहीं करेंगे। तो अभी बारिश आने वाला है शायद तो ये मेन गेट जैसे कि आप लोग देख सकते हैं तो अभी जा रहे हैं हम लोग तो मैंने आप लोगों को जितना बोल दिया इतना कर दीजिए और अभी अंधेरा हो चुका है गाइस अभी सड़क पे आ गए हम लोग जाने वाले हैं और आगे का नजारा एक बार दिखाएंगे तो एक बार दिखाकर और खत्म करते हैं वीडियो। तो गाइस ये है नजारा बिल्कुल तरह लाक्सो की तरह बना है और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट में बताइए और अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और अगर आप नए हैं तो मेरे YouTube चैनल पर तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का दबाना मत भूलिएगा। तो इतना ही आज के लिए टेक केयर बाय बाय थैंक यू। तो गाइस अभी बारिश आने वाला है फिर भी लोगों का इतना शौक है कि यहाँ पर आकर प्रोग्राम देख कर की जाएगा तो बारिश सरिश तो ये सब दूर की बात अगर गिरे तो गिरे नहीं गिरे तो गिरे फिर भी लोग यहाँ पर प्रोग्राम देखकर ही जाएगा तो ऐसा कुछ सीन है यहाँ पर। तो अभी बहुत जोर से हवा चल रहा है बारिश लगता है बहुत जल्दी आने गिरने वाला है बारिश तो रो साइड साइड ये बड़े लोग पूरा फ्रीडम से चलता है हमको फ्रीडम नहीं देता तो हम लोग साइड देखकर चलना पड़ता है और हमारा पार्किंग कार पार्किंग पॉइंट कहाँ पर चला गया भाई थोड़ा सा दूर जाते हैं हम लोगों को हमारा बाइक पार्किंग मिल जाएगा और वहां से बाइक निकलकर हम लोग जाएंगे। तो आज के लिए बस वीडियो इतना ही बाय बाय टेक केयर थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। 27 hearts beat tindin lora hat pani khuwa namo tindin pora em gori kotha dilu tindin tora kotha tahi ullalehi bhin bhin dora kin 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 min
লড়া হাত পানী খোৱা নাই মই তিন দিন পৰা প্ৰেম কৰি কথা দিলো কিন দিম তৰা হঠাৎ আহি ওলালেহি ভিন ভিন তৰা প্ৰেম কৰি বিয়া বাৰু নাপাতো মোক নালাগে মোক শ্ৰীমতী।